किस राज्य में किस दिन और कितने चरण में वोटिंग होगी और कब नतीजों की घोषणा होगी, इन सभी को लेकर तारीखों की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, आज शंखनाद हो चुका है और 4 जून को नतीजे आएंगे। टाइम पीरियड रहेगा इसमें पूरा देश चुनाव में होने वाला है और साथ ही साथ तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने पर फोकस करेंगी। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मुद्दा देश का और मुद्दा है लोकसभा चुनाव, क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव 2024 की रणबेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। किस राज्य में किस दिन और कितने चरण में वोटिंग होगी और कब नतीजों की घोषणा होगी, इन सभी को लेकर तारीखों की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 फेज में वोट डाले जाएंगे और 4 जून को चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और आखिरी मतदान 1 जून को किया जाएगा। कितने चरण में मतदान होगा जरा ये समझ लेते हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 102 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होगा और 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की करीब 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 7 मई को तीसरा चरण होगा जिसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर मतदान होगा। 13 मई को तीसरे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 20 मई को पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान होगा। 25 मई को छठे चरण में 7 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाला जाएगा। 7वां चरण 1 जून को होगा और 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। किस राज्य में कितने चरण में मतदान होगा ये भी समझ लीजिए। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 चरण में मतदान होगा। अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड में सिंगल फेज में वोट डाले जाएंगे। इसके तहत कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में 2-2 चरण में वोट पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ और असम में 3-3 चरण में वोटिंग होगी। ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड में 4-4 चरण में मतदान होगा। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में 5-5 चरण में वोटिंग होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7-7 चरणों में वोटिंग की जाएगी। किस राज्य में किस तारीख को चुनाव होगा? आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों के लिए 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज में वोट डाले जाएंगे। असम की 14 सीटों के लिए 19 अप्रैल को 5, 16 अप्रैल को 5 और 7 मई को 4 सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को 4, 26 अप्रैल को 5, 7 मई को 5, 13 मई को 5, 20 मई को 5, 25 मई को 8 और 1 जून को 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को वोट डाले जाएंगे। गोवा की 2 सीटों के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के लिए एक ही फेज में 7 मई को तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। इस बार करीब 97 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस बार 21.5 करोड़ यंग वोटर्स डालेंगे। इनमें से 1.82 करोड़ फर्स्ट वोटर्स हैं। 2019 में 91 करोड़ मतदाता थे, यह आंकड़ा इस साल बढ़कर 97 करोड़ हो गया है। सीसी राजीव कुमार ने कहा है कि नए वोटर्स को जोड़ने पर बहुत मेहनत की गई है। इस बार 18 से 19 साल की उम्र में करीब 1.8 करोड़ मतदाता हैं, 20 से 29 साल के 19.74 करोड़ और 82 लाख वोटर्स 85 साल की उम्र से ज्यादा के हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को पहली वोटिंग हुई थी और आखिरी वोटिंग 19 मई को हुई थी। 7 चरणों में वोटिंग हुई थी। इसके तहत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही चरण में वोट डाले गए, जबकि यूपी एमपी समेत कई राज्यों में एक से ज्यादा फेज में वोटिंग हुई। कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और त्रिपुरा में 2-2 चरण में वोट डाले गए। असम, छत्तीसगढ़ में 3 और झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी 3-3 चरणों में मतदान हुआ था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 5 और बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में वोटिंग हुई थी। इससे पहले जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो 543 सीटों के लिए 9 फेज में वोटिंग हुई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देखिए, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही देश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव खत्म होने तक आचार संहिता लागू रहेगी। इस दौरान चुनाव आयोग ही चुनाव से जुड़े सभी मामलों में सर्वशक्तिमान माना जा रहा है।
आचार संहिता एक दिशा निर्देश है जो सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकार पर लागू होता है। आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराना होता है। इसके तहत राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कुछ नियमों का पालन करना होता है। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग किसी भी उम्मीदवार या पार्टी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से भी रोक सकता है। इस खास खबर में आगे समझिए कि आचार संहिता लागू होते ही देश में क्या बदल जाता है, देखिए सरकार के कामकाज पर क्या असर पड़ता है और सरकार की कितनी ताकत रह जाती है। भाषण देते समय वाणी पर रखना होगा कंट्रोल। जी हाँ, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार इस दौरान कोई भी पार्टी उम्मीदवार ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जिससे अलग अलग जातियां, समुदाय, धर्मों या भाषाओं के बीच पहले से मौजूदा मतभेद और बढ़ जाए या उनमें आपसी नफरत पैदा हो या तनाव की स्थिति बने। मस्जिद, चर्च, मंदिर या अन्य पूजा स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में नहीं किया जा सकता। दूसरी पार्टी की आलोचना करते समय सिर्फ उनकी नीतियां, कार्यक्रमों, पिछले कामकाज, रिकॉर्ड पर ही बात की जाए। निजी जिंदगी के उन पहलू को आलोचना करने से बचना चाहिए जिनको राजनीतिक गतिविधियों से कोई लेने देना है नहीं। बिना सबूत के लगाए गए आरोपों को या तोड़ मरोड़ कर पेश की गई बातों के आधार पर दूसरी पार्टी या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं की जा सकती। मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना, मतदाताओं की नकली पहचान बनाना और मतदाता केंद्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना अपराध है। इसके अलावा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने की व्यवस्था करना भी गलत है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार ये सुनिश्चित करें कि उनके समर्थक दूसरे दलों की सभाओं और रैली में रुकावट ना डालें। किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी की शाखाओं में या सभाओं में लिखित मौखिक सवाल पूछकर या अपनी पार्टी के पर्चे बांटकर अशांति ना पैदा करें। राजनीतिक पार्टियां उस स्थान से अपनी रैली नहीं निकाल सकती जहां पहले से ही किसी दूसरे दल की सभा आयोजित की जा रही हो। इसके अलावा एक पार्टी द्वारा लगाए गए पोस्टर को दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हटा सकते। घर के सामने किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। हर किसी को अपने घर में शांतिपूर्वक रहने का अधिकार है, यह हक सबको मिलता है, भले ही किसी को राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवारों की राजनीतिक राय या काम पसंद ना आए। किसी के विचारों या गतिविधियों का विरोध करने के लिए उनके घर के बाहर प्रदर्शन या नारेबाजी नहीं कर सकते। विरोध जताने के लिए और तरीके हैं। घर के बाहर जमा होना ठीक नहीं। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने समर्थकों को किसी भी व्यक्ति के घर, जमीन या परिसर की दीवार पर बिना इजाजत के झंडा लगाने, बैनर लटकाने, नोटिस चिपकाने या नारे लगाने नहीं दे सकता। जनसभा या रैली की जानकारी पहले पुलिस को देनी होगी। राजनीतिक दलों के लिए अपनी जनसभाएं या प्रचार कार्यक्रम की पूरी जानकारी स्थानीय पुलिस को देना जरूरी है। इसमें सभा का स्थान और समय शामिल है। इससे पुलिस को यातायात व्यवस्था संभालने और शांति बनाए रखने का इंतजाम करने में मदद मिलेगी। साथ ही दलों को कोई सभा करने से पहले पता कर लेना चाहिए कि क्या उसके इलाके में कोई पाबंदी या रोक लगाने का आदेश तो नहीं है। अगर ऐसी कोई पाबंदी है तो उसका सख्ती से पालन करना होगा। अगर उस पाबंदी में छूट चाहिए तो पहले आवेदन करके अनुमति लेनी होगी। अगर जनसभा के लिए लाउडस्पीकर या किसी और चीज का इजाजत लेनी अनिवार्य है तो पार्टी या उम्मीदवार को संबंधित अधिकारी से संबंध से पहले आवेदन करना होगा। जनसभा में किसी भी गड़बड़ी करने वाले या शांति फैलाने वाले व्यक्ति से निपटने के लिए वहां तैनात पुलिस की मदद लेंगे। आयोजक खुद ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जुलूस निकालते समय नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। देखिए, जुलूस निकालने वाली पार्टी या उम्मीदवार को पहले ही तय कर लेना होगा कि जुलूस कहां और किस वक्त शुरू होगा, किस रास्ते से निकलेगा, कहां और किस वक्त खत्म होगा। जुलूस के रास्ते या समय में बिना वजह कोई बदलाव नहीं कर सकते। ट्रैफिक के नियमों का पालन करना होगा। जुलूस को हमेशा सड़क के दाएं ओर ही चलना चाहिए और जुलूस के दौरान वहां तैनात पुलिस जो कहे उसका पालन करना अनिवार्य है। अगर दो या ज्यादा पार्टियां उम्मीदवार एक ही रास्ते या उसके कुछ हिस्से से लगभग एक ही समय में जुलूस निकालना चाहते हैं तो दोनों पार्टी उम्मीदवारों को पहले से ही आपस में बात कर लेनी चाहिए। सरकारी खजाने से नहीं दिखा सकते विज्ञापन। जी हाँ, आचार संहिता के दौरान सरकारी खजाने से अखबार और दूसरे मीडिया चैनल्स में विज्ञापन दिखाने और सरकारी मीडिया का दुरुपयोग करने से पूरी तरह बचना चाहिए। सरकारी मीडिया का इस्तेमाल चुनाव से जुड़ी खबरों को एकतरफा दिखाने या सत्ताधारी पार्टी की उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए नहीं किया जा सकता जिससे सत्ताधारी पार्टी को चुनाव में फायदा हो। अगर पहले कोई विज्ञापन चल रहा है तो उसे हटाना होगा। सरकारी पैसे का नहीं कर सकते इस्तेमाल। मंत्री और अन्य अधिकारी सरकारी खजाने से किसी भी योजना के लिए भुगतान नहीं कर सकते और ना ही कोई योजना की स्वीकृति दे सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के अलावा कोई भी मंत्री या अधिकारी किसी भी नई परियोजना या योजना की आधारशिला रखने का काम नहीं कर सकता। साथ ही सरकार कोई भी स्थायी या अस्थायी नियुक्ति नहीं कर सकता। अगर अचानक किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा या महामारी आ जाती है और सरकार कोई उपाय करना चाहती है तो उससे पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। सरकारी संपत्ति पर उम्मीदवारों का अधिकार। देखिए, केंद्र और राज्य की सत्ता में रहने वाली पार्टियों के नेता अपने आधिकारिक पद का इस्तेमाल चुनावी अभियान के लिए नहीं कर सकते। खासतौर से मंत्रीगण अपने सरकारी दौरे को चुनाव प्रचार के काम से नहीं बुलाएंगे और चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी या कर्मचारियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए सभा करने वाली जगह और हेलीपैड का इस्तेमाल करने का अधिकार सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को नहीं होगा। दूसरी पार्टी उम्मीदवार को भी इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति उन्हीं नियमों और शर्तों पर मिलेगी जिन पर सत्ताधारी पार्टी ने इस्तेमाल करती है।
सरकारी रेस्ट हाउस, डाक बंगला, अन्य सरकारी आवास पर राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में हैं या उसके उम्मीदवारों का एक छत्र राज नहीं चलेगा। दूसरे दलों और उम्मीदवारों को भी ये जगह इस्तेमाल करने का समान हक है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी दल या उम्मीदवार इन सरकारी आवासों, आसपास के इलाकों को चुनाव प्रचार के लिए जनसभा नहीं कर सकते। मंत्रियों पर पाबंदी। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी मतदान केंद्र या मतगणना स्थल पर नहीं जा सकते। सिर्फ उम्मीदवार, मतदाता या किसी उम्मीदवार के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर ही वो अपनी जगहों पर जा सकते हैं। तो देखिए, चुनाव आयोग के पास आचार संहिता लगते ही कितनी सारी शक्तियां आ जाती हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, आज शंखनाद हो चुका है और 4 जून को नतीजे आएंगे। यानी कि ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा इसमें पूरा देश चुनाव में होने वाला है और साथ ही साथ तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने पर फोकस करेंगी। मुद्दा देश का मैं आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह फिर लौटेंगे। धन्यवाद।